की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता आना तय। राज्य में सभी स्थानों पर महायुति होने के चलते महाराष्ट्र में दोबारा महायुति सरकार आना तय है। औरंगाबाद जिले में भी महायुति के सभी उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में बाजी मारेंगे। यह दावा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े ने किया है। जीत का झंडा लेकर ही हमें रुकना है। औरंगाबाद पश्चिम के महायुति के उम्मीदवार संजय सिरसपाट के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन बागड़े के हाथों कोकनवाड़ी में स्थित टकसाली मंगल कार्यालय में सोमवार की शाम किया गया। इस समय कई नेता मंच पर मौजूद थे। अपने विचार में बागड़े ने कहा कि गत 5 सालों में फडणवीस सरकार ने जनता के हित में कई निर्णय लिए। आज राज्य की जनता दोबारा महायुति की सत्ता देखना चाहती है। राज्य में महायुति के लिए सबसे बेहतर माहौल है, इसीलिए युति की सत्ता आना तय है। शिवसेना से सीधी लड़ाई में फंसे नारायण राणे। मुंबई राज्य में शिवसेना और भाजपा की युति के बाद सिंधुदुर्ग जिले की विधानसभा सीटों पर शिवसेना और भाजपा के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। कनकवली विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के पुत्र नितेश राणे को शिवसेना के विरोध के बाद भी भाजपा ने पार्टी में शामिल कर टिकट दिया। राणे समर्थक और सिंधुदुर्ग जिला बैंक के अध्यक्ष सतीश सावंत राणे का साथ छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए, जिन्हें शिवसेना ने उम्मीदवार बनाया है। राणे को उम्मीद थी कि नितेश नामांकन वापस ले लेंगे, लेकिन नितेश ने नामांकन वापस नहीं लिया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।